नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर। खास पेशकश में आपका स्वागत है। कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है, राजधानी को सजाया जा रहा है। राहुल गांधी ने वादा किया था कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास शहर बनाया जाएगा, लेकिन क्या वाकई जयपुर वर्ल्ड क्लास शहर बनने जा रहा है? इसी से जुड़ा है हमारा ये खास कार्यक्रम। जयपुर के वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की चर्चा जोरों पर है। विकास के बहुत से दावे भी सामने आए हैं, लेकिन क्या वास्तव में जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर बढ़ रहा है? देखते हैं एक रिपोर्ट। चटक रंगों भरी संस्कृति और उभरते विकास के आयाम, हाँ शायद इसीलिए वर्ल्ड क्लास सिटी का हक रखता है गुलाबी शहर जयपुर। यहाँ के बाशिंदे भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। यहाँ की जलवायु, यहाँ की संस्कृति और विकास के अवसर भी कुछ ऐसा ही बयां करते हैं कि जयपुर बन सकता है वर्ल्ड क्लास सिटी। लेकिन हकीकत के फसाने कुछ और ही कहानी कहते हैं। राजधानी के उद्योग व्यापार से जुड़े लोग और आम आदमी कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जैसा कुछ भी नजर नहीं आता। वे कहते हैं कि यहाँ गगन को छूती इमारतें तो बनी हैं, लेकिन उनके पीछे बसे स्लम एरियाज वर्ल्ड क्लास सिटी के मायने बदल रहे हैं। वे कहते हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तो हुआ है, लेकिन सड़कें मरम्मत को भी तरस रही हैं। वे कहते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के नाम पर एयरपोर्ट तो बने हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मानदंड पूरे नहीं होते। आपने पूछा कि जिस तरह से बड़ी बिल्डिंगें डेफिनेट तौर पर जयपुर में बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन उसके पास का वातावरण देख लें, यहाँ तक कि जहाँ पूरे चुने हुए एमएलए जिस जगह बैठ रहे हैं, जहाँ विधानसभा बैठ रहे हैं, अगर उस विधानसभा के भी पिछले एरिए को देखा जाए, आसपास के एरिए को देखा जाए, तो अभी वो भी डेवलपमेंट नहीं है। वर्ल्ड क्लास सिटी होने के लिए जो मापदंड होने चाहिए, बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होना चाहिए, कुछ ऑडिटोरियम्स होने चाहिए। यहाँ पे आज देखा जाए टूरिस्ट के हिसाब से होटल्स वगैरह की सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं, बट फिर भी अपना जो कनेक्टिविटी है जयपुर की कुछ और बढ़नी चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट अपना हाईवे सिस्टम है उसको और डेवलप होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो दूर, राजधानी में सड़कों पर ट्रांसपोर्टेशन के नियम भी फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। अच्छे रिहायशी इलाकों के पीछे कच्ची बस्तियां और कचरे गंदगी के ढेर क्या वर्ल्ड क्लास के सपने को धूमिल कर रहे हैं? यहाँ के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ की टैक्स प्रणाली से यहाँ का व्यापार जगत नाखुश नजर आता है। वर्ल्ड क्लास सिटी में तो बहुत काम होना बाकी है, अभी तो एबीसी भी स्टार्ट नहीं हुई है। जो यहाँ पे कचरा होगा देखते हैं बहुत ज्यादा है, सड़कें टूटी हुई है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कोई इनिशिएट किया गया है वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए। कांग्रेस का चिंतन शिविर है, तैयारियां जोरों पर है। जिस मार्ग से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी गुजरेंगे, उन मार्गों की साजो सज्जा परवान पर है। रातों रात सड़कें भी ठीक कर दी गई हैं। साफ सफाई का दौर पिछले दो दिन से जारी है। बंजर में भी आज फसल उगती नजर आ रही है और बियाबान भी आज आबाद हो गया है। क्या यही मायने हैं जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के, या फिर जयपुर सिर्फ एक दिन का वर्ल्ड क्लास सिटी बनकर रह जाएगा? ये सोचने वाली बात होगी। विजय वर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। जी हाँ, जब कांग्रेस के युवराज जब जयपुर आए थे तो जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का वादा किया था। राहुल गांधी के एक बार फिर जयपुर आ रहे हैं, राजधानी को चमकाया जा रहा है। कितनी चमक है राजधानी और सज धज कर कितनी है तैयार, देखते हैं एक रिपोर्ट। ये है राजधानी जयपुर, जिसे चमकाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। कांग्रेस का चिंतन शिविर है और राजधानी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जब जयपुर आए थे तो जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का वायदा किया था और अब जयपुर को चमाचम किया जा रहा है। राजधानी में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी की सड़कों, चौराहों, स्मारकों, होटलों, पार्किंग और अंडरपासों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। RTDC की होटलों की भव्य साज सज्जा की जा रही है। होटल तीज, गणगौर और स्वागत सज धज कर तैयार है और अपनी चमक बिखेर रही है। हालांकि ये होटल एक लंबे समय से रिनोवेशन के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब लगता है कि इनकी बहार लौटी है। होटल राजमहल, होटल पार्क प्राइम, होटल बेला कासा, होटल फोर पॉइंट, होटल फर्न, होटल रामाडा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। नगर निगम ने भी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं कि छोटी से छोटी जगह पर सफाई कर दी जाए।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सागानेरी गेट, जे क्लब, न्यू गेट पर कचरा एकत्रित करने के इंतजाम किए गए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी गंदगी है तो कीटनाशक और रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। सभी सर्किलों को रोशन किया जा रहा है। लंबे समय से चौराहों पर धूल फांक रही प्रतिमाओं को धुलवा कर पुतवाया गया है। शहर के सभी चौराहों और सड़कों पर जगमगाहट की जा रही है। साथ ही शहर के चौराहों और सड़कों पर कांग्रेस के झंडे भी लगाए गए हैं। राजधानी को कुछ सौगात भी मिल रही है। 150 करोड़ रुपए की लागत से बनी घाट की घुनी की दो सुरंग पहली बार आम लोगों के लिए खोली जाएंगी। 50 करोड़ की लागत से रामनिवास पार्किंग बनाया गया है। गुर्जर की ठड़ी अंडर बाईपास की सौगात मिल रही है। यानी कि कांग्रेस के चिंतन शिविर को तो वर्ल्ड क्लास दिखाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या राजधानी भी वर्ल्ड क्लास हो रही है या फिर ये महज कुछ दिन का दिखावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। चिंतन शिविर की तैयारियों के लिए सीधे रुख कर रहे हैं अपने संवाददाता अजीत की तरफ, जो इस समय इस पे जयपुर से बने हुए हैं। जी अजीत, किस तरह से चमकाया जा रहा है जयपुर को अगर हम बात करें? जी देखिए, चिंतन शिविर की तैयारियों में पूरा एक तरह से पूरी सरकार जो है वो जुटी हुई है। शहर का हर कोना जो है, लगभग जो कोना जिसमें AICC के ये जो पदाधिकारी और ये मुख्यमंत्री, PCC के चीफ, जितने भी मेहमान आने वाले हैं, इन मेहमानों को दिखाने के लिए, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, इन सभी को दिखाने के लिए जो है पूरी तरीके से शहर को तैयार कर लिया गया है। जगह जगह कांग्रेस के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। सड़कों को द्वारा तैयार किया गया है। सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से प्रॉपर हुई है। करीब 1500 निगम के कर्मचारी जो है वो अलग से लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है इस चिंतन शिविर के लिए कम से कम कहें तो, और इनसे भी सबसे बड़ी बात है कि वो जो तीन प्रोजेक्ट जो काफी लंबे समय से अटके हुए थे, जिसमें घाट की गुनी टनल हुआ या फिर रामनिवास बाग की पार्किंग हुई या गुर्जर की थड़ी, गुर्जर की थड़ी पे बनने वाला अंडर पास हुआ, तीनों प्रोजेक्ट जो जनता को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि कब इनका कब ये चालू हो और कब से जो है आम जनता को इससे राहत मिले, कब इससे फायदा लेने के लिए, तो माना जा रहा है कि 19 तारीख को। जी अजीत, अगर जी अजीत अगर हम बात करें शहर को चमकाने की कवायद की, अगर हम बात करें तो क्या ये सिर्फ VVIP इलाकों में है या पूरे शहर में हो रही है? जी देखिए, जिस तरीके से हम बात करें कि ये कौन कौन से क्षेत्र इन्होंने चूज किए हैं, तो पूरी तरीके से ये वही रास्ते हैं जहां ज्यादातर ये जो VIP का मूवमेंट रहेगा, उन्हीं रास्तों पर ये कार्रवाई की जा रही है ज्यादातर। लेकिन यदि हम बात करें कि जयपुर को कितना फायदा होगा, तो कम से कम वो रोडें, वो सड़कें जो कम टूटी हुई थी और VIP एरियाज में ही थी कम से कम उन आम लोगों को तो फायदा इस बात से हुआ ही है कि उनकी सड़कें दोबारा बन गई है, उनकी सफाई व्यवस्था प्रॉपर हो गई है, उनके लिए ये जो तीनों प्रोजेक्ट हैं वो चालू हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हालांकि जो ये काम है वो कुछ सीमित क्षेत्रों में। जी जी अजीत, अगर घाट की गुड़ी टनल की अगर हम बात करें, जो प्रोजेक्ट लंबित है, तो उसका शुभारंभ कब तक होगा? जी अजीत, मैं कह रहा हूँ कि घाट की गुड़ी टनल समेत अगर हम जो लंबित प्रोजेक्ट की बात करें तो उनका शुभारंभ कब तक होगा? जी देखिए, ये तीनों जो प्रोजेक्ट है, घाट की गुड़ी टनल है या फिर गुर्जर की थड़ी अंडरपास है या रामनिवास बाग की जो पार्किंग है, ये तीनों जो प्रोजेक्ट है, माना जा रहा है कि 19 तारीख को सुबह प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी स्वयं इन तीनों जो जगह हैं इनका लोकार्पण करेंगे। हालांकि लोकार्पण जो है घाट की गुड़ी टनल से ही किया जाएगा तीनों जगह का। तो माना ये जा रहा है कि ये तीनों जो प्रोजेक्ट है वो 19 तारीख को जनता के लिए खोल दिए जाएंगे और उसके बाद में जो ये विकास की सरकार भी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो विकास की बातें हैं वो आगे के चुनावों में, क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो चुनावों में क्या मुद्दे होंगे जिन्हें वो लेकर जाए, तो विकास की यदि हम बात करें तो विकास में ये तीनों जो प्रमुख प्रमुख जो ये स्थल हैं उनको उनको आगे जाके विकास के रूप में दिखाया जाएगा। वही अजीत अजीत अगर अजीत मान लिया जाए कि जी जो चिंतन शिविर की चिंता के चक्कर में कांग्रेस ने जयपुर पर मेहरबानी तो की ही है। जी बिल्कुल, यदि जयपुर की जनता की बात करें तो निश्चित तौर पर इन्हें कहीं ना कहीं फायदा जो है जयपुर की जनता को हुआ है। यदि सड़कों की और सफाई व्यवस्था की और तीनों प्रोजेक्टों की बात करें जिनका आरंभ जो है बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई परियोजनाएं थी, तो आम जनता को तो इसमें कहीं ना कहीं फायदा ही है। और जहां तक बात करें सरकारों के लिए भी ये सोचने की बात है कि कहीं आम जनता को राहत देने के लिए यदि पहले से ही इस तरीके के काम किए जाते तो अचानक एक इस तरीके से पूरा
पूरा मुहिम छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका इस जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता अजीत जो इस पर जानकारी दे रहे थे। कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा हुआ है चिंतन शिविर के जरिए। इस विशेष पेशकश में आपसे थोड़ी सी इजाजत लेते हैं, फिलहाल लेते हैं यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर के वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की चर्चा जोरों पर है। इसी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं भाजपा नेता सुमन शर्मा। जी सुमन, अगर हम बात करें चिंतन शिविर की, कल से शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे, जयपुर चमक गया है या फिर एक दिन के लिए चमका है जयपुर? लेफ्ट लेफ्ट लेना आगे से। जी सुमन शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचबीसी न्यूज में। सुमन जी, अगर कांग्रेस के चिंतन शिविर की हम बात करें, हाँ, तो क्या कहेंगे, जयपुर एक दिन के लिए चमका है क्या? आप लोग भी इसको देख ही रहे होंगे कि 4 साल से किस तरह से जयपुर सड़ रहा था जी। और अचानक आज चिंतन शिविर के नाम पे रातों रात चकाचौंध कर दिया गया शहर को, और अपने आला नेताओं को खुश करने के लिए जो 4 साल पहले राहुल गांधी आए थे और वर्ल्ड क्लास का सपना दिखा के गए थे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उस सपने को इन्होंने पूरा करने की जरूरत अपना ही नहीं। लेकिन आज जब वो आ रहे हैं तो एक रातों रात साफ सुथरा करके दिखाने की कोशिश और अपनी सीआर को ठीक करने की चेष्टा, मुझे कुल मिला के लगता है, क्योंकि जनता की उनको कतई परवाह नहीं है। नेताओं के लिए शहर को वर्ल्ड क्लास बना दिया गया है, इस स्टैंडर्ड का हमारा शहर है, लेकिन जनता तो परेशान है। अगर गलियों को भी आज भी देखें, जयपुर के आधे भाग को प्रमुख मार्गों को सजाया गया है, लेकिन अगर आधे भाग को आप देखेंगे तो वो अभी भी सड़ रहा है शहर। और अच्छा होता, राहुल गांधी आ रहे हैं तो अंदर की भी सिटी वॉल को भी देखते तो उन्हें असलियत मालूम चलता, मुझे ऐसा लगता है। सुमन जी, अगर हम बात करें राहुल गांधी का वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना पूरा करने के लिए, कांग्रेस ने वीवीआईपी इलाकों पर तो मेहरबानी नहीं करी है सिर्फ। मैंने कहा ना कि इनके बस की बात है ही नहीं है अपने नेताओं को खुश करने के लिए। केवल जिस एरिया से राहुल गांधी गुजरेंगे, जिस रूट से राहुल गांधी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी गुजरेंगे, उस रूट को चमकाया गया है। बाकी यदि आप देखें वॉल सिटी है जयपुर जिस नाम से जाना जाता है, या गलियों की हालत देखेंगे तो वो बद से बदतर हो गई है। तो केवल नेताओं की चमचागिरी और जनता के गाढ़े कमाई के पैसे का दुरुपयोग करके अपने सीआर बनाने की चेष्टा की जा रही है कि किस तरह सोनिया जी की नजरों में गहलोत साहब रहे हैं, उनके बाकी नेता लोग रहे हैं, और इसी तरह जो एक भ्रम पैदा राजस्थान की जनता ने किया था उसी प्रकार का भ्रम अपने नेताओं की नजरों में भी डाले, ये चेष्टा गहलोत साहब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सुमन जी, अगर भाजपा की बात करें तो क्या कांग्रेस की जयपुर की इस तरह की बेरुखी पर कोई विरोध तो नहीं जताएगी? देखिए क्या होता है कि राष्ट्रीय चिंतन सब पार्टियों का अपना अधिकार होता है, और विरोध की बात जहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय, आज ये पहली बार कोई विरोध की बात नहीं है, 4 साल से जिस तरह से शहर सड़ रहा है और जिस प्रकार से शहर को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अपना प्रकटीकरण किया, अपना विरोध किया। और इस समय मुझे लगता है कि सत्ता के मद में चूर कांग्रेस की राजस्थान से लेके केंद्र तक हमारा राज है, ये विरोध को और विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं है, कान में तेल डाल के बैठे हैं ये लोग। अब एक सवाल सीधा सा उठता है कि जब विपक्ष या जनता आवाज लगा रही थी कि शहर को साफ सुथरा रखिए, शहर में विकास कीजिए, शहर की सड़कों को सुंदर कीजिए, अतिवृष्टि से जयपुर परेशान था, उस समय सुविधाएं मांग रही थी जयपुर की जनता, तब तो इनके पास पैसा नहीं था, कोई काम नहीं था, आज ये अचानक पैसा कहाँ से आ गया, अचानक ये शहर कैसे सुंदर हो गया? तो कुल मिला के सत्ता के मद में चूर लोगों को विपक्ष नहीं दिखता है, विपक्ष की आवाज नहीं सुनाई देती है, तो इसका सही समय पे जनता ही इलाज करेगी, और वो समय है 2013 का नवंबर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी भाजपा नेता सुमन शर्मा जो हमें बता रही थी चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर जयपुर जो चमका है।